तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। हमारे यहाँ एक पेशेंट जिसका नाम चंदन दास, उम्र 16 साल है, वो हार्ट की प्रॉब्लम लेके आया था। जब उसकी जांच वगैरह की गई तो ये पाया गया कि वो ब्लू चाइल्ड है, मीन तो उसके नाखून और उसके होंठ नीले हैं। ये बीमारियाँ अधिकतर जन्मजात होती हैं। इसमें अधिकतर क्या होता है कि दिल के अंदर छेद होते हैं या वॉल खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में मिलने लगता है और पूरे बॉडी में वही सर्कुलेट करता है और पूरे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें पूरा खून नहीं मिलता। तो जांच करने के बाद इस बच्चे को जो बीमारी निकली उसको हम टेट्रोलॉजी ऑफ फैलू या टॉफ कहते हैं। इसके अंदर पल्मोनरी वॉल सिकुड़ जाता है और जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, उनके बीच में एक छेद होता है। फिर सारी जाँचें करने के बाद जब पूरा इवेल्युएशन कर लिया तब हमने अपने कार्डियक सर्जन जो डॉक्टर के जी यादव साहब हैं उनके संग मिलकर इसके ऑपरेशन का प्लान बनाया और इस बच्चे का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर यादव ने बहुत अच्छी तरह इसका ऑपरेशन किया और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो था एक ब्लू बेबी टाइप का बच्चा था, उसके पूरे नेल वगैरह सब कुछ ब्लू से नीले पड़ गए थे और जो जिसको हम लोग बीमारी बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोज, तो ये इसमें कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है। इसमें हार्ट में एक छेद होता है, एक ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है, पल्मोनरी जो आउटफ्लो ट्रैक्ट जो होता है तो वो एकदम सील्ड सा बंद सा था, हल्का पतला सा एक होल सा था जिसके थ्रू ब्लड जा रहा था। उसके पूरे लंग में ब्लड ही बहुत कम से कम जा रहा था। तो जब भी वो गुस्सा होता था कुछ वो करता था तो उसके सब नीला पड़ जाता था चेहरा, तो उसके लिए हमने सर्जरी के लिए किया, सब एक्सपोज करके उसके वो छेद में पैच लगा के बंद किया और RVOT को खोला, बीच में जितने मसल्स से बंद कर खोल के ठीक किया गया, एकदम परफेक्ट करके फिर उसको शिफ्ट किया गया वार्ड में। पेशेंट को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा भाई है। क्या दिक्कत थी इनको? इसके दिल में होल्ड था, अच्छा छेद था दिल में। क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही थी? ये ऐसा था जैसे ज़्यादा चले फिरे दौड़ भाग करे तो ये बहुत ही ज़्यादा थक जाता था, अच्छा। और होल्ड जो है वो नीला हो जाता था। फिर हमने जब जाँच वाँच कराई तो सामने वो आया, तो कई जगह हमने और भी मतलब ट्राई किया तो खास हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा। तो फिर TMU के बारे में कैसे पता चला? ये हमें किसी ने बताया, यहाँ से पहले भी कोई होके गया है, अच्छा। तो उन्होंने हमें कहा है कि वहाँ पे सुविधा अच्छा है और डॉक्टर भी अच्छे हैं। तो TMU में इलाज के बाद अब आपके मरीज की हालत कैसी है? अभी तक जैसा है अभी तो बहुत अच्छा है, हमारा बहुत कम पैसे में इलाज करा दिया डॉक्टर साहब ने। हम डॉक्टर साहब से बहुत ही खुश हैं, हम बहुत ही अच्छा लगा हमें, गरीब आदमी हमें, शायद हम कोई दूसरा हॉस्पिटल होते तो हमारे बस के बाहर ही होता। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस तरह का ऑपरेशन मुरादाबाद मंडल में पहली बार हुआ है। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई ऑपरेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। इससे एक नया रास्ता खुल गया है मुरादाबाद के और मरीजों के लिए जो इसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, और उन सब का ऑपरेशन बड़ी अच्छी तरीके से और कम पैसे पर यहाँ पर किया जा सकता है।